Hello class, good morning. Today we'll talk about the energy stored in a capacitor. अगर अपन किसी भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उसमें चार्ज फ्लो होता है और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, तो कितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकता है ना? अभी तक अपन ने क्या बताया कि द एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी इज कैपेसिटेंस एंड द डिवाइस इन विच दिस एनर्जी इज स्टोर इज कैपेसिटर. अब अपन ये जानना चाहते हैं कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, क्या फॉर्मूला है उसका, ये अपन यहाँ पर जानना चाह रहे हैं. तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं अपन, ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अपन ने बैटरी के साथ अटैच किया, ठीक है ना. तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा V, है ना, थ्रू आउट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल क्या है, मेंटेन रहेगा. और ये कैपेसिटेंस है यहाँ पे C, और यहाँ पे हमने कुछ चार्ज दिया होगा इसको Q चार्ज, चार्ज होने के लिए. सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर. यानी कि यहां पे बैटरी जो है वर्क डन करेगी यहां पे कैपेसिटर को एनर्जी प्रोवाइड करने में. तो बेसिकली है क्या, एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन, ठीक है ना. तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन क्यू चार्ज. मान लो कि यहाँ पे टोटल चार्ज आएगा क्यू, और स्मॉल चार्ज अपन ने क्यू माना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चार्ज एकदम से तो ये चार्ज हो नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा चार्ज आएगा, टोटल चार्ज क्यू जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना. हमें इसे फुल्ली चार्ज्ड करना है, ठीक है ना. और पोटेंशियल इसे मिलेगा कितना, डीवी, ठीक है. अब देखो हमें ये वाली बात पता है कि सी बराबर क्यू बाय वी होता है. तो वी बराबर कितना हो गया, या ऐसे लिखो क्यू बराबर कितना हो गया वी सी, या सी वी ऐसे लिख लो. अब जब मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, डी क्यू बराबर सी टाइम्स ऑफ डी वी. और डी वी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी क्यू बाय सी, ठीक है ना. और ये जो क्यू है टोटल चार्ज का ही है ना, इसको अपन स्मॉल रखते हैं, ठीक है ना, कि दिस इज स्मॉल क्यू, दिस इज स्मॉल क्यू. तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी क्यू बाय सी. और इसे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक ये फुल्ली चार्ज होना है. तो टोटल चार्ज कितना आना है इसके ऊपर, कैपिटल क्यू, यानी कि जीरो से क्यू, कैपिटल क्यू, है ना. सो जीरो से कैपिटल क्यू, तो वन अपॉन सी तो बाहर आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू, और लिमिट लग जाएगी यहाँ पर जीरो से कैपिटल क्यू. तो ये हो जाएगा वन बाय टू क्यू स्क्वायर बाय सी. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है ना, समझ में आए. अब ये फॉर्मूला आपको तब यूटिलाइज करना है जब चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट हो, है ना. जब ये चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट आपको गिवन हो तब आप ये वाली चीज़ यहाँ पे यूटिलाइज करो. और देखो इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि V बराबर Q बाय सी होता है और Q बराबर VC होता है. तो U बराबर कितना हो जाएगा, हाफ V स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन C. तो ये कितना हो गया, हाफ C V स्क्वायर. ऐसे भी अपन इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हमें कब यूज करना है, जब पोटेंशियल हमें कांस्टेंट गिवन हो. एक और तरीका देखो क्या हो गया, U बराबर हाफ इंटू सी वी इंटू वी, ऐसे भी लिख सकता हूं. और सी वी क्या Q के बराबर है, सो U बराबर हाफ इंटू क्यू वी, ऐसे भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं.
सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की बात आते से ही क्यू स्क्वायर बाई टू सी या हाफ इंटू क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको यूटिलाइज करने आने चाहिए। वैल्यूज गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, एनर्जी स्टोर निकालना होगा, तो ये वाले फॉर्मूले अपन ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, अब अपन बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, इसको हमें समझना है। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन इसको समझने के लिए अपन एक पहले तो छोटा सा कंसेप्ट समझें, वो कंसेप्ट क्या है। देखो, ये एक वॉल्व है, एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, बहुत ढंग से समझना है इसे, है ना। सपोज यहां पे पानी जो है ये भरा हुआ है, इधर भी ये पानी भरा हुआ है, लेकिन इधर जो पानी भरा हुआ है इसका लेवल कम है, है ना। ये पानी जो है ये कम लेवल पे भरा हुआ है और ये ज्यादा लेवल पे भरा हुआ है। चाहो तो आप इनकी बाउंड्री थोड़ी सी और बड़ी कर सकते हो, ठीक है ना। ये इस तरह से है, ये एक वेसल है कुछ इस तरह का, यहाँ पे पानी ज़्यादा भरा हुआ और यहाँ पे पानी कम भरा हुआ है, और अभी ये वॉल्व जो है दिस इज क्लोज्ड, ठीक है ना, दिस वॉल्व इज क्लोज्ड। मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस समझाऊंगा किसमें, कैपेसिटर में, लेकिन एक एनालॉगी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो कैपेसिटर में तो आपको समझ में आए, है ना। तो इसके एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखो, ये एक वेसल है, पानी इस तरह से भरा हुआ है, यहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे पानी का लेवल कम है, वॉल्व अभी बंद है। अगर मैं ये वॉल्व को खोल दूंगा तो क्या होगा? एनीबडी यू कैन टेल मी, अगर मैं ये वॉल्व यहाँ से खोल देता हूँ तो क्या होगा? क्या ये वाला लेवल नीचे आएगा, क्या ये वाला लेवल ऊपर बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का लेवल एक जैसा हो जाएगा? क्या ये सब बातें बच्चे फील कर पा रहे हैं? ठीक है, तो अभी अपन ने इस वॉल्व को ओपन कर दिया तो देखो क्या हुआ होगा कि सपोज ये यहाँ तक की हाइट तक इसमें पानी इंक्रीज हुआ होगा और ये वाला पानी यहाँ पे डाउन हो गया होगा। क्या समझ में आए? तो इसने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये पहले ज़्यादा था ये कम था, लेकिन इसने अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया और ये सेम पोटेंशियल पे आ गए। मार्क माई वर्ड, दे आर नाउ एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। ये जिस पोटेंशियल पे है ये भी उसी पोटेंशियल पे है, ठीक है ना। वॉल्व ओपन होने के बाद ये सिनेरियो हो गया। अब इस बात को अपने दिमाग में रखो और रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या कंसेप्ट है अब अपन उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को तो मैं हटा दूं यहां से। पोटेंशियल एनालॉगी क्रिएट करने की कोशिश करना कि जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक, तो यहां पे क्या हुआ, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हुआ तब तक पानी एक जगह से दूसरी जगह तक बहा, लेकिन जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया पानी बहना रुक गया। यानी कि जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होता रहेगा, जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गया चार्ज फ्लो नहीं होगा। कहती बात समझ में आई? बस इसी बात को अब अपने को यहाँ पे देखना है। तो अपन एक स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं जिसका चार्ज कुछ मान लेते हैं कि अपन लेट से Q1 है, और यहाँ पे एक और स्फेरिकल कैपेसिटर मानते हैं जिसका चार्ज Q2 है, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1, इसकी रेडियस मान लेते हैं R2, ये कुछ V1 पोटेंशियल पे है, हो सकता है ये ज़्यादा हो, है ना। और देखो ऐसे भी अंदाजा लगाओ, मैंने एक बड़ा बनाया और एक छोटा स्फीयर बनाया है ना, तो इसका कुछ पोटेंशियल है V2, इसका कुछ कैपेसिटेंस है C1, इसका कुछ कैपेसिटेंस है C2। अब आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर कनेक्टेड, अभी तो ये कनेक्टेड भी हैं लेकिन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है ना, और दोनों पे चार्ज भी अलग अलग है। अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम हमें इनको फुली चार्ज भी करना है,
है ना। अब देखो क्या होगा, कुछ समय बाद यहां पे Q1 डैश चार्ज हो जाएगा, यहां पे Q2 डैश चार्ज हो जाएगा, लेकिन क्या दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो जाएगा? और मैंने मान लिया कि कुछ V है ना, रेडियस तो भाई R1 ही रहेगी है ना, और यहां पे भी मतलब रेडियस और कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आफ्टर सम टाइम ये सिचुएशन यहां पे हो जाएगी, कितनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पे अपन चार्ज कंजर्वेशन को लगाते हैं। बेटा ये सब आपने नोट किया है यहां पे कि नहीं किया? ये सब नोट कर लिया तो अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पे चार्ज कंजर्वेशन अपने को लगाना पड़ेगा, तो चार्ज कंजर्वेशन अपन बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अगर मैं बोल देता हूं कि नेट चार्ज यहां पे Q1 प्लस Q2 है, ठीक है ना, तो आफ्टर सम टाइम, क्योंकि देखो क्या हुआ था, जब अपन ने यहां पे पानी भर रखा था, पानी का फ्लो रुक गया था, यानी कि इनिशियल और फाइनल सिचुएशन सेम हो गई थी। कब? जब पोटेंशियल सेम हो गया था, तो यहां पे पोटेंशियल अब सेम है। तो देखो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, इनिशियल चार्ज को फाइनल चार्ज के बराबर रख सकते हैं। तो इनिशियल चार्ज था Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज हो गया बेटा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब Q1 की वैल्यू क्या हम जानते हैं कि Q बराबर CV होता है? क्या ये बात हम जानते हैं? तो यानी कि Q1 कितना हो गया? क्या Q1 को मैं लिख सकता हूं C1V1 प्लस Q2 को मैं लिख सकता हूं C2 × V2 इज इक्वल्स टू Q1 डैश? क्या Q1 डैश हो जाएगा C1 × V प्लस Q2 हो जाएगा C2 × V? यानी कि C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 किसके बराबर हो गया? इस पोटेंशियल के बराबर हो गया V के। नाउ दिस V इज दैट पोटेंशियल एट विच बोथ, मतलब यहां पे चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये V कैसा पोटेंशियल है? ये वो पोटेंशियल है जब चार्ज फ्लो रुक जाएगा, ठीक है ना। यहां पे लिख लो चाहो तो कि चार्ज फ्लो विल स्टॉप, यहां पे चार्ज फ्लो अब रुक चुका है इस पोटेंशियल पे। कहती बस समझ में? तो हमारा पर्पस क्या है यहां पे? हमारा पर्पस एक तो था कि यार वो पोटेंशियल क्या होगा जब चार्ज बहना बंद हो जाए, तो वो पोटेंशियल हमने निकाल दिया। लेकिन ये जो फाइनल चार्जेस आए हैं इसके ऊपर, दोबारा से रिकॉल करो, ये जो अपन ने बनाया था वेसल, पानी का लेवल जब सेम हो गया, यानी कि दोनों का पोटेंशियल अब बराबर हो चुका है, तो वो बराबर पोटेंशियल कितना है मैग्नीट्यूड में, ये हमने निकाल लिया। लेकिन जब ये पोटेंशियल बराबर हुआ, तो यहां वॉल्व के इस तरफ कितना पानी और इस तरफ कितना पानी, ये भी तो हमको देखना था। तो यानी कि यहां पे जो चार्ज है और यहां पे जो चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इस मैग्नीट्यूड को हम कैसे पता कर सकते हैं? अगेन बाय यूटिलाइजिंग दिस फॉर्मूला। अगर मुझे Q1 डैश पता करना है, तो यानी कि मुझे C1 × V करना पड़ेगा, और अगर मुझे Q2 डैश पता करना है, तो C2 × V करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो Q1 डैश की वैल्यू तो कितनी हो गई, C1 × C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, आया ना। ये V क्या है? दिस इज द V, ठीक है ना। अब यहां पे Q2 पता करना है, तो देखो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 डैश बेसिकली, सो C2 × C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या वाली बात समझ में आई? क्लियर है ये वाली बात? तो हमने फाइनल चार्जेस पता किए और जो सेम पोटेंशियल आया वो पता किया। अब देखो यहां पे एक वेरिएशन आता है, ये जो फाइनल चार्ज अपन ने पता किया है, ये सी और वी के टर्म्स में है, ठीक है ना। एक और रिलेशन यहां पे अपन निकाल सकते हैं, वो अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखो कैसे अपन देखेंगे उसे, ये वाली बात समझ में आई, दोनों पे पोटेंशियल सेम है। अगर दोनों पे पोटेंशियल सेम है, V बराबर V है, ये V उधर वाले का है ना, जिसका R1 रेडियस का स्फेरिकल रेजिस्टर है। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे, हाँ अपन
देखो ये तो आएगा ही आएगा है ना, लेकिन अगर स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए अपन बात कर रहे हैं तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर इज द रेडियस। तो यहाँ पे एक मिनट के लिए अपन ये और कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे है ना। इसको स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी सेम पोटेंशियल निकाल देते हैं। सो वी बराबर, अब देखो सी वन की जगह क्या रखूंगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन, और सी टू की जगह रखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, R1V1 + R2V2 अपॉन R1 + R2, और नीचे भी क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी इज इक्वल्स टू R1V1 + R2V2 अपॉन R1 + R2, ठीक है ना। दिस इज द सेम पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल कह लेते हैं अपन इसे, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब अपन वाली बात करते हैं कि इन दोनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल कैसा है, सेम है। अगर पोटेंशियल यहां पे सेम है तो हम यहां पे क्या बात लिख सकते हैं, वी बराबर वी, और इसका वी अपन लिख सकते हैं Q1 डैश बाय C1, और इसका क्या लिख सकते हैं Q2 डैश बाय C2। अब यहां पे एक और बात अपन क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल्स टू C1 बाय C2, ठीक है ना। क्योंकि दोनों के कॉमन पोटेंशियल हैं इसलिए हम ये सब बातें यहां पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर Q1 और Q2 का कैपेसिटर का तो ये आ रहा है, तो अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर होगा तो वहां पे R1 बाय R2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस वहां पे बना रखा है, और अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो वहां पे रेडियस कैपेसिटी को शो करता है। सो R1 बाय R2 अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे अगर Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाय C2 लिखा हुआ है, और अगर मैं दोनों में +1 +1 कर दूं तो देखो क्या मिलेगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 बाय C2। अब Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये इक्वेशन देखो, क्या Q1 डैश प्लस Q2 डैश तो किसके बराबर है, Q1 और Q2 के, और Q1 और Q2 किसके बराबर है, टोटल चार्ज Q के बराबर है। यानी कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं Q बाय Q2 डैश इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 बाय C2, यानी कि Q2 डैश की वैल्यू आ जाती है मेरे पास C2 इंटू, या ऐसे लिखें Q2 डैश यहां पे आ जाएगा ना, सो क्यू टाइम्स C2 बाय C1 प्लस C2, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये तो किसकी वैल्यू आई, Q2 डैश की। अब ये जो वैल्यू आई यहां पे देखो, ये टोटल चार्ज और कैपेसिटेंस के बीच में है। अब इसी तरह से अगर मेरे को इसको रेडियस के फॉर्म में लिखना है, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर के फॉर्म में लिखना है, सो Q2 डैश बराबर Q टाइम्स ऑफ R2 बाय R1 प्लस R2, और कुछ भी नहीं करना, ये इसको आप लिख सकते हो R1 बाय R2 प्लस 1। अब इसको इसके इक्वेट में सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगी, ठीक है ना। अब यहां पे ये देखो, ये कैपेसिटेंस और टोटल चार्ज के बीच में आया है, और यहां पे जो Q2 डैश हमने निकाला था ये पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बीच में आया है, तो प्रोफाइल बहुत सारी बन सकती है यहां पे। चलो अब इसी तरह से अपन Q1 को भी फाइंड आउट करते हैं कि Q1 कितना आएगा, क्या Q1 फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब Q1 डैश कितना आएगा। तो देखो ये वाली चीज अपने कोई काम की नहीं है अभी, तो इसको यहां से रब कर देते हैं। देखो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, Q2 डैश बाय Q1 डैश इज इक्वल्स टू C2 बाय C1 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1, सब में अगर मैं +1 कर दूं तो क्या होगा, Q2 डैश प्लस Q1 डैश अपॉन Q1 डैश इज इक्वल्स टू C2 प्लस C1 अपॉन C1। तो यहां से Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, ठीक है ना। और R के टर्म्स में देखनी है
तो आर के टर्म्स में कितनी हो जाएगी, क्यू वन डैश इज इक्वल्स टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इन टू क्यू, ठीक है ना, समझ में आए। तो ये अपन ने फाइनल चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट किया। दोबारा से देखो अपन ने क्या किया,